श्री राधे राधे। भगवान के भक्तों की संगत यदि किसी को प्राप्त हो, अर्थात सच्चा सत्संग प्राप्त हो, महान पुरुषों की भगवान की प्रीति में सराबोर हृदय वाले किसी महान प्रभु प्रेमी की संगति प्राप्त हो, तो एक सामान्य व्यक्ति भी, एक विषयाशक्त प्राणी भी भगवान की भक्ति के पथ का पथिक बन जाता है। उसके भी जीवन में महान भगवत भक्तों के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं और उसी मार्ग पर चलता हुआ वो सचमुच एक सच्चा भक्त बन जाता है। दक्षिण भारत में रंजनम स्थान में रहने वाले भक्त थे शांतोबा। पहले ये भक्त नहीं थे, ये संसार के आकर्षणों में डूबे हुए व्यक्ति थे, लेकिन एक सच्चे साधु का संग जो कि अमोघ होता हुआ इनको प्राप्त हो गया। और वो सच्चे साधु जो थे वो जगत प्रसिद्ध संत श्री तुकाराम जी थे। तुकाराम जी का सत्संग जब प्राप्त हुआ शांतोबा को, तो शांतोबा के हृदय पर जैसे जादू का काम किया, तुकाराम की संगति ने एकदम उनके हृदय को भगवत प्रेम के रंग से रंग दिया। अंदर से आंसुओं की धारा निकल पड़ी जो उनकी आंखों से बहने लग गई और उनके जीवन का एक नव प्रभात प्रारंभ हुआ। बदल गया उनका जीवन, जहां संसार में उनको सब समृत लगता था, अब वो विषवत लगने लगा। जिन भोगों को मेरा मेरा कहते थे, अब उधर देखना भी उनको अच्छा नहीं लगता था। और महाराज सब कुछ से मन हट गया, जो कि जीवन में सांसारिक आकर्षण थे उधर से मन हट गया और त्याग दिया उन चीजों को, यहां तक कि अपना घर परिवार धन ऐश्वर्य सब कुछ त्याग दिया और अपनी अपार संपत्ति को उन्होंने गरीबों में बांट डाला, सब बांट करके खत्म किया और घर से निकल पड़े। एक कौपीन मात्र केवल उनके पास थी और सब तो कुछ वो बांट चुके थे और बिल्कुल ही निर्धन होकर के घर को त्याग करके वे चले। कारण ये था कि अब उनको भगवान की भक्ति का धन प्राप्त हो गया था, इसलिए संसार की दृष्टि से निर्धन थे, किंतु वास्तविकता ये थी, वास्तविकता ये थी कि वो अब सच्चे धनी थे। अब वो एक निर्जन स्थान पर एक नदी को पार करके और जा करके जंगल में रहने लगे। अब उनको जंगल का दृश्य अच्छा लगने लगा, एकांत अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब उन सब में उनको भगवान की उपस्थिति दिखलाई पड़ती थी। और जहां उनको वन अच्छा लगने लगा था, वहीं पर अब उनके घर के लोग सोचने लगे थे, संयुक्त परिवार था, बड़ा परिवार था, उनके घर के लोग सोचने लगे कि शांतोबा को वापस कैसे लाया जाए, वो तो पूर्ण वैरागी हो गया और घर छोड़कर के चला गया जंगल। तो उनके परिवार के लोगों ने सोचा कि उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, यदि ये पहुंच जाए शांतोबा के पास तो इसको देख करके वापस निश्चित आ जाएंगे। तो जो शांतोबा की माँ थी, उसने अपने बहू को अर्थात शांतोबा की पत्नी को कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और तुमको इतना सुंदरता भगवान ने दिया है कि तुम्हें जो उसका मन
फंसा रहता था वो फिर से तुमको देख करके वापस आ जाएगा और तुम्हारे द्वारा फिर वो वापस घर में आ जाएगा। वैसे किसी के बुलाने से आने वाला नहीं है। ये समझा बुझा करके सास ने बहू को अर्थात शांतोबा की पत्नी को शांतोबा के पास भेजा। शांतोबा की पत्नी जंगल में पहुंची। उसने सोचा था कि वो अपने पति को अपने आकर्षण से आकृष्ट करके वापस लाएगी, लेकिन जब वो पहुंची शांतोबा के पास तो उसके चेहरे के दिव्य तेज को देख करके वो चुप रह गई, बोली ही नहीं कुछ। बहुत देर तक वहीं पर उसके सम्मुख खड़ी रही और अब उसकी सुंदरता शांतोबा को नहीं खींच सकी, शांतोबा के चित्त को चलायमान नहीं कर पाई उसकी पत्नी की सुंदरता। और कुछ देर तक चुपचाप दोनों बैठे रहे और आखिर में शांतोबा पति के चरणों पर मस्तक रख के रोने लगी और उसने कहा कि आप सबको छोड़ करके चले आए तो ठीक है, आपकी इच्छा, आप भजन करिए, भगवान की भक्ति करिए, लेकिन मेरे लिए तो आपके अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं, मैं तो केवल आप ही को जानती हूं। अब मैं कहां जाऊं, मेरे भगवान तो आप ही हैं, इसलिए मैं तो आप ही के चरणों में रहूंगी। बहुत जब ज्यादा कातर होकर के रोने लगी, वास्तविकता ये थी कि शांतोबा की पत्नी को भी अब वैराग्य हो गया था मन में और घर जाने के लिए अब नहीं रो रही थी कि घर ले चलें, वो पति को घर ले जाने के लिए नहीं रो रही थी, वो वास्तव में पति की तरह से विरक्त हो चुकी थी मन से। उसने कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूं, आई तो थी मैं आपको घर ले जाने के लिए, लेकिन मैं अब आपको घर नहीं ले जाऊंगी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ रख लीजिए। तो शांतोबा ने कहा मेरे पास रहने के लिए मेरी तरह रहना पड़ेगा, तुम्हें ये सब बहुमूल्य गहने कपड़े उतार कर फेंकने पड़ेंगे और सादे कपड़े पहन करके वैरागी की तरह रहना होगा। महाराज शांतोबा की भक्ति और तपस्या का असर उसके ऊपर ऐसा पड़ा कि उसकी पत्नी ने सब गहने और कपड़े और कीमती चीजें सब फेंक दी और एकदम सादा मोटा मैला सा कपड़ा वो पहनने को और रहने को तैयार हो गई और वो खुश थी जंगल के उस त्याग तपस्या और तमाम कठिनाइयों से भरे हुए वातावरण में रहने के लिए तैयार थी वो। अब वो भी तपस्या करने लगी। शांतोबा ने अपनी पत्नी से कहा, मानो आज उसकी परीक्षा की घड़ी आ गई थी कि मुझे रोटी खाए हुए बहुत दिन हो गए, तुम गांव से जा करके कुछ रोटी के टुकड़े मांग लाओ तो मैं थोड़ा सा रोटी का प्रसाद आज पा लूंगा। किंतु उसने जाते समय कहा कि सावधान, रोटी के टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं ले आना। आज वो सती नारी अपने पति के लिए भीख मांगने चली जबकि घर से बहुत धनवान थी वो, और जब तमाम कंटका कीर्ण मार्ग को लांघती हुई पर्वत को पार करती हुई जब गांव में पहुंची तो महाराज जो भिक्षा मांगने लगी, रोटी की भिक्षा मांगती मांगती संयोग की बात कि वो अपनी बड़ी ननद के घर जा पहुंची। उसको पता नहीं था कि उसका घर वहीं है और भाभी को भिखारिणी के वेश में देखकर ननद को बड़ा दुख हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बड़ी कठिनाई से उसने आंसुओं को रोक करके कहा, भाभी तुम्हारी ये क्या दशा है, क्या मेरे बाप दादे की सारी संपत्ति नष्ट हो गई, आप ये क्यों इस तरह से मांग रही भिक्षा।
तो उसने कहा कि देखो बहन, तुम्हारे भाई को भूखा छोड़कर मैं यहाँ आई हूं, मुझे रोको मत, रोटी का एक टुकड़ा दे दो और कुछ नहीं, नहीं तो मैं दूसरे घर चली जाऊंगी और दूसरी जगह से रोटी का टुकड़ा मांग लूंगी, मुझे रोकने का समय नहीं है, आप दे सकते हो तो एक रोटी दे दो बस। लेकिन महाराज उस ननद ने जबरदस्ती हलवा पूड़ी तरकारी सब दिया, बहुत मना किया शांतोबा की पत्नी, लेकिन वो मानी नहीं। अब वो क्या करे, मजबूर थी लेने के लिए क्योंकि ननद ने जबरदस्ती किया था। और वो ले करके जब पहुंची है तो शांतोबा शांत नेत्रों से थाल को तो देख लिया, परंतु उसी क्षण शांत भाव को दबा करके तीक्ष्ण दृष्टि से सती को देखा और कहा कि ऐसा भोजन लाने के लिए मैंने तुमको कहा था क्या? तुम रोटी के टुकड़े नहीं ला करके हलवा पूड़ी लाए हो, ये वापस ले जाओ और जहां से लाए हो वहीं पर दे दो, और ला सकती हो तो घर घर भटक करके कुछ रोटी के टुकड़े मांग करके लाओ। महाराज शांतोबा की पत्नी ने सब बात बता दी कि मैंने बहुत मना किया था, लेकिन आपकी बहन ने ही हट करके जबरदस्ती मुझे हलवा पूड़ी दिया है, मेरी ननद ने इतना मुझे दबाव डाला, जबरदस्ती किया कि मुझे लेना पड़ा, मैं क्या करती। किंतु शांतोबा ने हलवा पूड़ी खाने से मना कर दिया। अब जैसे शांतोबा का मन समझ रहा था कि पत्नी की बड़ी कठिन परीक्षा हो रही है, फिर से वापस गई वो जंगल पहाड़ लांघते हुए उस गांव में, और शरीर उसका थर थर कांप रहा था कमजोरी से। हलवा पूड़ी वापस दे करके ननद को बहुत समझाया कि मैं नहीं ले सकती हूँ, मुझे तो रोटी के टुकड़े मांग करके ले जाने हैं। और महाराज जब रोटी के टुकड़े उसने मांग करके लिया तो ले करके जब चली है तो आज जैसे ठाकुर जी उसकी परीक्षा ले रहे थे, चारों तरफ घनघोर घटा छा गई, मूसलाधार वृष्टि होने लगी, इतना अंधकार हो गया कि कुछ कहीं दिखता नहीं था, और रोटी के टुकड़े उसको बचाने थे इसलिए साड़ी के कोने में लपेट रही थी, वर्षा की अधिकता के कारण नदी में बाढ़ आ गई थी। भीमा नदी की भीषण मूर्ति देख करके वो घबरा गई कि मैं कहां जाऊं, कैसे पार करूं। अब पहले तो थोड़ा सा पानी था, अब इतना भयंकर पानी हो गया कि उस नदी को पार करना उसके लिए असंभव था। ठंड भी लगने लगी, भय से शरीर कांपने लगा, सर्दी से दांत किटकिटाने लग गए और वो घबराने लगी शांतोबा की धर्मपत्नी। तब उसने भगवान को पुकारना शुरू किया, हे पांडुरंग, हे विठ्ठल भगवान, हे कृपा सिंधु, तुम कहाँ हो? इस दासी की सुधि लो, संकट बहुत बड़ा है प्रभु, पतिदेव के लिए मुझे रोटी के टुकड़े बचा करके ले जाने, इतना भयंकर झंझावात, आंधी तूफान बरसात, इतनी भरी हुई नदी, में कैसे पार करूं प्रभु? बहुत करुण क्रंदन करने लगी और भगवान सच्ची भक्ता की करुण पुकार सुन करके कैसे शांत रह सकते थे। भक्त की सच्ची पुकार सुन करके, करुण पुकार सुन करके भगवान का आसन डोल गया, प्रभु का आसन मानो डोल गया। सती का करुण क्रंदन सुनते ही ठाकुर जी उसकी रक्षा करने के लिए एक सामान्य केवट का रूप धारण करके आकर पहुंच गए और पूछने लगे, बहन, इस मूसलाधार वृष्टि में तुम अकेली घर से बाहर किस लिए निकली हो? केवट का रूप धारण करके प्रभु आए थे, वो पूछ रहे हैं, बहन, जंगल में क्यों भीग रही हो, क्या बात है? अब वो क्या कहती है? उसने कहा, मैंने भगवान पांडुरंग को याद किया, मन में सोचा, और ठाकुर जी ने इस केवट को मेरे पास भेज दिया है। देखा उसने सम्मुख केवट खड़ा है, उसने
अपनी सारी कहानी भिक्षा वाली सुना दी और कहा कि भाई देखो, तुझको मेरे पांडुरंग भगवान ने भेजा है, मुझके मेरे ऊपर दया करो और इस भीमा नदी के उस पार मुझे किसी तरह पहुंचा दो। पिता या बड़े भाई की तरह से मेरी ओर देखो और मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे पतिदेव उस पार भूखे प्यासे पड़े हुए हैं और पहाड़ पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। कहते कहते वो रोने लग गई। महाराज, केवट के रूप में ठाकुर जी थे, उन्होंने ऐसे देखा उस सांतोबा को जैसे स्नेह से पाली हुई अपनी बेटी को बाप देखे और प्रभु प्रेम भी भर हो गए। महाराज ठाकुर जी ने बड़ी भक्त वत्सलता के साथ उस शांतोबा की पत्नी को उठा करके कंधे पर बैठा लिया और प्रभु ने उसको पार किया। लेकिन महाराज, जैसे जैसे बरसात होती गई, रोटी के टुकड़ों को वो लपेटती जाती थी साड़ी के कोने में, संपूर्ण साड़ी लपेटती गई, लपेटती गई, लपेटती गई, रोटी भीग न जाए, खराब न हो जाए। एक ही ध्यान उसका था कि रोटी के टुकड़े भीग करके खराब न हो जाए। साड़ी में लपेटती जा रही थी, लपेटती जा रही थी, और उसे ये नहीं पता था कि वो साड़ी जो वो लपेटती जा रही रोटी में, वो धीरे धीरे उसके शरीर से खींचती खींचती ऊपर चली जा रही है और संपूर्ण साड़ी को उसने रोटी में लपेट रखा था। किंतु उस बेचारी को इसका कुछ ज्ञान नहीं था कि उसका शरीर अब वस्त्रहीन हो चुका है। और केवट ने ले जाकर के पति की कुटिया के पास उतार दिया था उसको कंधे से। और जब उसने आखिर में फिर थोड़ा सा साड़ी को लपेटना चाहा तो उसका आखिरी छोर उसके हाथ में आया और अब उसे पता चला कि संपूर्ण साड़ी उसने रोटी में लपेट रखा है। अब तो लाज से घबरा गई कि केवट ने क्या सोचा होगा, केवट के कंधे पर लगता मैं वस्त्रहीन बैठी रही क्या। और उसने जा करके पति के चरणों में प्रणाम किया और रोटी उसके सम्मुख प्रस्तुत किया। जिन रोटियों को वो इस तरह से कठिनाई से लेकर के आई थी, उसको जब उसने अपने तपस्वी पति के सम्मुख रखा तो शांतोबा की पत्नी के शरीर में एक विलक्षण तेज दिखलाई पड़ रहा था। वो अद्भुत तेज, अद्भुत शक्ति उसके शरीर में दिखलाई पड़ी, जिसको देख करके शांतोबा चकित रह गया। भगवान के मृदुल स्पर्श से, ठाकुर जी के स्पर्श से शांतोबा की पत्नी के शरीर में ऐसी दिव्यता प्रकट हो गई थी कि उस दिव्यता की ओर वो देख नहीं पा रहा था शांतोबा। और चकित होकर के, आश्चर्य में डूब करके शांतोबा ने पूछा, साध्वी तुम शीघ्र बतलाओ, तुम्हारे शरीर में एक अद्भुत तेज दिखलाई पड़ रहा मुझे, तुम इतनी भयंकर वृष्टि में कैसे आ पाई, कौन लाया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारे शरीर में अद्भुत विलक्षण तेज कैसे प्रकट हो गया। उसने संपूर्ण कथा सुना दी, किस प्रकार से घर घर में रोटी के टुकड़े उसने इकट्ठे किए थे और किस प्रकार से केवट भगवान को पुकारने पर केवट भेजा था ठाकुर जी ने, उसने यही समझा कि ठाकुर जी ने केवट भेजा और उसके कंधे पर वो बैठ करके आई है, बिजली की कड़कड़ाहट और भयंकर वृष्टि इस सब के बीच में कैसे वो कंधे पर बैठा करके केवट लाया और कुटिया के पास उतार करके चला गया। ये सब उसने जब बतलाया
तो महाराज शांत होकर रोने लग गया और कहा कि जो केवट तुमको यहां तक पहुंचा करके गया है वो केवट नहीं था, वो पांडु रंग थे। झरझर आंसू गिरने लगी और सती से कहा कि भागवती क्या तू एक बार भी मुझे उस केवट का दर्शन करा सकेगी? वो भाव समुद्र के तारने वाले केवट थे जो तुझे कंधे पर बैठा के लाए हैं। हे प्रभु, दरवाजे तक आकर चले गए आप, मेरी पत्नी को तो कंधे पर बैठा के लाए और मैं इतना अभागा कि आप दरवाजे पर आकर के वापस चले गए। थोड़ा सा आगे नहीं आ सके कि मुझे भी दर्शन दे देते। सती तू धन्य है, तैने आज उस परम कृपाल प्रभु के अंग स्पर्श का अमूल्य लाभ प्राप्त कर लिया। महाराज रोटी के टुकड़े को उसने खाया नहीं। शांतोबा ने कहा अपनी पत्नी से, देवी ये पशु पक्षियों के लिए टुकड़े डाल दो, अब मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक वो केवट आकर के मुझे अपना रूप नहीं दिखाएगा। भक्तों शांतोबा ने खाना पीना छोड़ दिया। ठाकुर जी ने एक भक्त को स्वप्न दिया कि मेरा महान भक्त शांतोबा पहाड़ पर भूखा पड़ा है, जाओ उसको भोजन कराओ। वो भक्त तो तमाम मेवे पकवान मिठाई सब लेकर के आया और शांतोबा के सम्मुख रख करके कहा कि मुझे ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा दिया है, तुम ये भोजन करो। शांतोबा और जोर से रोने लगे। उन्होंने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा, जिसने तुमको भेजा है जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता हूं। सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा करने में उनका क्या बिगड़ता है, वे आकर के मेरे ऊपर कृपा करें। शांतोबा ने उस भक्त को वापस भेज दिया और कहा प्रभु क्या भोजन करना इतना जरूरी है कि आपके दर्शन की इच्छा भी मैं छोड़ दूं और भोजन करूं? आप दर्शन दो मेरे नाथ, नहीं तो ये शरीर अब छूट जाएगा। आपने मेरी पत्नी को कंधे पर बैठाया है यहां तक पहुंचाया, एक भक्त को स्वप्न देकर के मेरे पास भेजा और मुझे दर्शन नहीं दे सकते हैं। महाराज शांतोबा की प्रीति के शब्दों में नहीं बोल पाऊंगा, कितनी प्रार्थना किया है शांतोबा ने, बिल्कुल अद्भुत उनका प्रेम था कि ठाकुर जी कृपा करके सम्मुख प्रकट हो गए। अब तो जब सम्मुख ठाकुर जी प्रकट हो गए तब तो शांतोबा कितने प्रेम विभोर होकर के दर्शन प्राप्त किए हैं कैसे बताया जाए। शांतोबा भगवान की अद्भुत बांकी छवि देख करके हर्षोन्मत्त हो गए, उनका हृदय असीम आनंद का समुद्र बन गया। कितने समय तक वह लगातार अनवरत प्रभु के दर्शनानंद में डूबे रहा मन उनका, नाचते थे, प्रेम विभोर होकर के चरणों में प्रणाम करते, कभी आवेश में भर करके नाचते, कभी चरणों में लोटपोट होते, वहां की धूल को लगाते, भगवान के सम्मुख देख करके आंसू बहाते। ऐसे प्रेम विभोर अवस्था में बहुत देर तक वो रहे और फिर भक्त के विशुद्ध प्रेम को भाव को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद की धारा बरसाते हुए फिर ठाकुर जी अंतर्धान हुए। अब शांतोबा और उनकी पत्नी
ठाकुर जी के अंतर्धान होने के बाद एकदम उनकी काया पलट हो चुकी थी। अब ये पति पत्नी नहीं थी, दोनों सच्चे विरक्त संत हो गए थे। दोनों ही विरक्त साधु थे, शांतोबा भी उनकी पत्नी भी। दोनों ही ने पंडरपुर का रास्ता पकड़ा। पांडुरंग दर्शन देकर के तो चले गए थे, लेकिन अब उनको पंडरपुर जाने की ऐसी धुन सवार हुई कि घनघोर नदी में दोनों कूद पड़े और उनके पीछे पीछे जनता भी बहुत सारी थी, वो भी कूदी और नदी के बीचों बीच में जल विभाजित हो गया। बढ़ी हुई नदी के बीच में खाली सूखा हुआ रास्ता तैयार हो गया और सूखे रास्ते से हरी हरी बोलते हुए, विठल विठल गाते हुए और तमाम भक्तों के साथ शांतोबा और उनकी पत्नी चले जा रहे हैं, नदी पार कर गए। और देखते ही देखते नदी के बीचों बीच में जो रास्ता हुआ था और उसके दोनों तरफ पानी था, उसी में से सब भक्त लोग पार चलते चले गए। भगवान की भक्ति का दृढ़ प्रताप सबने देखा और महाराज आनंद के साथ पंढरपुर पहुंचे और पंढरपुर में जा करके वहां ठाकुर भगवान जो पुंडरीक के ठाकुर जी पांडुरंग जी हैं, जो विठल भगवान हैं, उनका दर्शन करके आनंद विहोर लोग हो गए और प्रभु से प्रार्थना किया, गोपाल तुमने जंगल में मेरे ऊपर कृपा किया, मेरी पत्नी के ऊपर कृपा किया, अब ऐसी कृपा इतनी और कर दो नाथ कि अपने चरणों में ही रखो। आप पंडरपुर से मुझे कहीं नहीं भेजना, मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। और महाराज ऐसे बोलते बोलते शांतोबा विठल भगवान के चरणों में पड़ गए और भगवान ने बड़ी मीठी वाणी प्रकट की, शांतोबा भक्त मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तुम यहीं रहो, अब तुमको पंडरपुर में ही रहना है, अब जीवन में तुमको दूसरी जगह कहीं नहीं जाना है और मेरे मंदिर का प्रसाद ही तुम दोनों को पाना है। शांतोबा तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों ही मुझे बहुत प्रिय हैं, अब तुम लोग यहीं मेरे चरणों में रह करके भजन करो। भगवान की आज्ञा से उस महान सती के साथ शांतोबा जी पंडरपुर में रहने लगे और अपना संपूर्ण जीवन भागवत प्रेम की उन्मत्तता में ही पंडरपुर भगवान पंडरपुर ठाकुर जी के चरणों में, पंडरपुर में पंडरीनाथ के चरणों में बड़े उन्मत्तता के साथ भागवत प्रेम में अपने जीवन को व्यतीत किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे, जय श्री राधे।